तो दोस्तों सुबह सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है, इधर आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सी फॉग एंड इधर हाईवे। हेलो इंडिया, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज अभी मॉर्निंग हो चुका है एंड मैं भी इस वक्त असम में हूँ, जोरहट से जस्ट 12-13 किलोमीटर के अराउंड पहले। यहाँ से 12-13 किलोमीटर पर जोरहट सिटी है और उधर वाले साइड में आप देखो कितना मस्त वाले असम में आते ही ना टी गार्डन का जो मतलब नज़ारे है ना मस्त वाले लगता है। उधर वाले साइड में पूरा का पूरा गार्डन ही है दूर दूर तक जहाँ तक नज़र डालो। एंड इधर वाले साइड में ना कल यहाँ पे इस ढाबे पे बाहर में ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बाहर में जगह था तो यहीं पे कल टेंट लगा लिया था परमिशन लेकर। काफ़ी अच्छा जगह दिख गया वरना कल ना मैं जोरहट सिटी चला जाता और जाकर फिर वहाँ पर दिक्कत होता। तो वैसे भी अभी आज यहाँ से मैं फटाफट अपना टेंट पैक करता हूँ। टेंट तो भाई साहब वहाँ पर पैक कर लिया, मेरा वाला टेंट अभी इधर वाले साइड में वो मैं पैक करूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा आज आपका पासीघाट के लिए, जो कि पासीघाट का 270 किलोमीटर के आसपास है। तो आज देखते हैं आज कवर हो पाता है या नहीं, क्योंकि ये मेन हाईवे है, मेन हाईवे से ही जाना पड़ता है। ये होते हुए आपको जोरहट हो गया, शिवसागर एंड डिब्रूगढ़ से बाहर सिल्ला पत्थर होते हुए निकल जाएंगे पासीघाट के लिए। रूट तो काफ़ी मतलब वो है, गाड़ी तो चलती है बट ये असम में थोड़ी सी चेकिंग का दिक्कत होता है। ट्रक वाले मिल जाता है बट जो प्राइवेट जो गाड़ी होती है ना उसमें लिफ्ट मिलने का थोड़ी सी कम चांसेस होता है, मतलब असम में बहुत कम चांस होता है। सो देखते हैं आज कैसे क्या होने वाला है। आज का दिन काफ़ी अच्छा है एंड अभी मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे ना कल रात में ठंडी बहुत ही कम था, ये मतलब कंपेयर देखा जाए तो कोहिमा से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा था। यार थोड़ी थोड़ी ना खांसी हो रही है, गला इसलिए ख़राब हो गया, वहाँ पे पानी जो पी रहा था ना बहुत ही गंदा वाला पानी पी रहा था कोहिमा में, मतलब वहाँ पे 7-8 दिन रहा गंदा पानी पीने की वजह से ना गला ख़राब हो चुका है। एंड यहाँ पे कल रात में ठंडी नहीं लगा हमको और सुबह भी थोड़ी थोड़ी ठंडी है क्योंकि ये प्लेन वाला एरिया है। यहाँ वहाँ पर तो मॉर्निंग में धूप लगने लगता था सुबह सुबह बट यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख लो भी थोड़ी थोड़ी फॉग आपको दिख रहा होगा, यह है फॉग आपका। एंड अभी गाड़ी ट्रक वगैरह का भी मॉर्निंग टाइम में निकल रहा है तो अभी देखते हैं आज हमें कौन सी भैया लिफ्ट देने वाले हैं, आज का दिन कैसा जाने वाला है। सो ठीक है जी, आज वीडियो पूरे देखना, अच्छे तरह से देखना, एंजॉय करना, जैसा भी लगेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड छोटा भाई समझकर अपना राय जरूर देना अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत लगे तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अभी मॉर्निंग का टाइम है कुछ बना भी नहीं सकते यार, अभी ढाबा भी खुला भी नहीं है, अभी ढाबा पूरा का पूरा बंद है। तो अभी देखते हैं फटाफट अपना बैग पैक करते हैं और निकलते हैं, आगे चल कर कहीं पर कुछ खाया जाएगा अपना अच्छे से। तो ठीक है जी, आज शायद अरुणाचल प्रदेश एंटर कर जाऊँ वरना आज अगर नहीं भी किया तो कल कर जाऊँगा, कल से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। सो कंटिन्यू एंजॉय करना। ओके, ये असम है, असम में भी काफ़ी मज़ा आता है यार। असम में मेरे को ना मेन टी गार्डन देखने का ही मतलब जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत वाला है तो काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो अभी अपना टेंट पैक करके निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ सभी से। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो अभी हमने अपना चाय मंगा लिया इसमें होटल में ढाबे के अंदर बैठे हुए हैं एंड अभी चाय पीते हैं। यहाँ पे खाना मतलब थोड़ा सा बनने में सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बनने में लेट हो जाएगा तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो यहाँ से अभी चाय पीते हैं और चाय पी के निकलते हैं क्योंकि आज 270 किलोमीटर मतलब हिचाय करना। अभी असम ही है, असम का तो आप जानते हो, अगर आप पिछले हमारे व्यूवर्स हो, अगर नए व्यूवर्स हो तो बता दो कि असम में बहुत दिक्कत होता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो ठीक है, पहले अपना फटाफट चाय पीते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। यार चाय सही है, कुछ खाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता बट कोई नहीं, आगे खा लूँगा 10-11 बजे के अराउंड। अभी कहाँ भी तो 7:30 हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 8 बजे ऑन द रोड हो जाऊँ। वैसे भी काफ़ी मज़ा आता है यार ठंडी का मौसम में अगर ऐसे मतलब घूमो तो काफ़ी मज़ा आता है ना। अरे भाई साहब का तो रुतवा ही अलग। सो अभी अपना चाय हो गया एंड आपको कल बोला भी था कि जो जिसने भैया ने मतलब हमें यहाँ पर रहने का जगह दिया जो यहाँ का ऑनर है मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। सो ये है भैया जी हमारे। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? मिस्टर दिनाथ। आप यहीं से मतलब आपका घर? हाँ, आप ही का होटल है ना? हाँ। ओके, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें रहने के लिए जगह दिया। तो ऐसे भी लोग हैं असम में जो काफ़ी हेल्पफुल मतलब काफ़ी अच्छे हैं। सो कल यहाँ पे हमें मतलब किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, भैया एक बार में मान गए। वो होटल का साइन बोर्ड दे दी? हाँ वो दे दिया था। सो ये वाली होटल है, आप लोग देख लेना, ये रहा ठीक है, हाँ गायत्री ढाबा, आप लोग अच्छे से और आसामिस में लिखा हुआ है ऊपर में, इधर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ समझ जाना, आसाम को हो तो आसामिस समझ जाना। एंड इधर दादी माँ, दादी माँ तो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है, ये देखो। आपका नाम क्या है? बेली। अच्छा, बेली 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 बेली।
ओह आप तो हीरो की तरह लग रहा है बिल्कुल। दादी माँ का चश्मा देखो यार कितना लुक वाला है, मतलब मन कर रहा है मैं लेकर लगा लूं। आँख बया हो गया। अच्छा अच्छा तो ठीक है अब मैं चलता है यहाँ से जा रहा है। ओके ठीक है भैया बाय बाय। तो चलते हैं जी अभी ऑन द रोड और हिचैक के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी आज कौन सी मतलब भैया हमें लिफ्ट देने वाले हैं सुबह सुबह, आज क्या होता है, गुड लक या बैड लक। बैड लक तो नहीं होगा क्योंकि कल भी अच्छा दिन रहा, आज भी अच्छा दिन रहेगा क्योंकि आप सबका सपोर्ट है एंड प्यार। अब क्या ही बताऊँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जोश और जुनून लेकर आता है, सो नई जोश नए जुनून के साथ फिर से निकल रहे हैं अभी। ठीक है जी ट्राई करते हैं, अभी मेरा पार्टनर भी आ रहा है पीछे से। दोस्तों अभी रोड पे हूँ हाईवे पे और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही है लिफ्ट का मतलब सॉरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही है लिफ्ट को लेकर, लिफ्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। सो अभी ट्राई करते हैं देखते हैं, अभी ट्रक वाले भैया कह रहे हैं शायद हमें लिफ्ट मिल जाए यहाँ पे। तो भैया जी यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं दे पा रहा यार। दोस्तों काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली अभी लिफ्ट मिला, सुबह से डेढ़ घंटा वेट किया डेढ़ घंटे, बट मतलब गाड़ी जैसे होते हैं ना कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कोई बात नहीं ऐसे होते रहता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लिफ्ट तो मिल ही जाता है हम जैसे लोगों को, तभी तो आज इतने दिनों से नॉर्थ ईस्ट में टिके हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते हैं, तो एक ट्रक वाले भैया मिले। तो आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो वैसे? मुजफ्फरपुर बिहार। और बहुत बहुत थैंक यू आपने लिफ्ट दिया हमें अच्छा लगा। तो ठीक है जी अभी चल रहे हैं और ये जा रहे हैं भैया मतलब शिव सागर तक जा रहे हैं, शिव सागर ना यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 80 किलोमीटर तक की लिफ्ट हमें मिल गया है, बड़ा वाला ट्रक है, आराम से बैठ कर जा रहा हूँ रिलैक्स होकर। तो कोई बात नहीं जी चलते हैं और आज का दिन बस शुरुआत होता है यहीं से, आज का हमारी फर्स्ट लिफ्ट है, देखते हैं आगे आज शाम तक पासी घाट पहुँचते हैं या फिर नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है पहुँच जाऊँगा क्योंकि कंटिन्यू जो है ना मेन हाईवे है, इसी वजह से यहाँ पे आया था ताकि कंटिन्यू हमें लिफ्ट मिल जाए और मैं अरुणाचल प्रदेश एंटर कर जाऊँ। तो चलते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है। ढाबा देख कर ना वो हो रहा है, अभी जाऊंगा तो काफी जोर से भूख लगा क्योंकि सुबह जब चला था तो वहाँ पे कुछ टाइम नहीं था ना बनाने को, मैं बताया भी था चाय पी के निकला, तो अभी शिव सागर पर पहुँचने वाले हैं वहाँ कुछ खाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग रही है यार। तो दोस्तों अभी उस वाले भैया ने मतलब यहाँ पे लाकर छोड़ा शिव सागर में भी हमें, एंड जो अभी जो ट्रक वाले जो भैया जो थे उन्होंने यहाँ तक के लिफ्ट दिया क्योंकि उनको यहाँ से माल लोड मतलब करके कहीं और जाना था। तो अभी रोड पे जैसे ही चल रहे थे ना तो भैया जी का गाड़ी दिखा और एंड भैया जी का गाड़ी खड़ा था, तो भैया जी से बातें की तो भैया यहाँ से जा रहे हैं डिब्रूगढ़ मतलब तिनसुकिया वाले रूट में, बट हमें डिब्रूगढ़ से बाहर बाहर अपना निकल जाना है शिला पत्थर से बाहर बाहर होते हुए अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो आपको बताया भी था मतलब अभी ना पहले भैया से आपको मिलवाता, भैया आपका नाम क्या है? ओ आप यहीं असम से? बहुत बहुत थैंक यू कि आपने लिफ्ट दिया हमें एंड काफ़ी अच्छा लगा। भैया जी का गाड़ी खड़ा था मैं बस जाकर ऐसे ही बात किया तो मतलब एक बार में मान गए, तो कोई बात नहीं चलते साथ में, पहले ना यहाँ पे माल खाली होगा, इस गाड़ी में भी माल है माल खाली हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा आधा एक घंटे का माल है, सामान है सामान है। अरे जो भी हो माल सामान जो भी हो ये गाड़ी पहले खाली होगी उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग। खाली नहीं होगी, खाली हम लोग को करनी पड़ेगी तब भैया ले जाएंगे ना भैया। ऐसा कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे हैं, कंपनी लोग खाली करेगा कंपनी गाड़ी है, तो कोई नहीं अच्छी बात है हमें लिफ्ट मिल गई एंड ये भी लॉन्ग ही लिफ्ट है, सुबह मॉर्निंग वाले भी लॉन्ग मिल गया था एंड ये भी लॉन्ग ही मिल गया, लंबा लिफ्ट मिल गया तो हमारे लिए मतलब अच्छी बात है, बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश इंटर कर जाएंगे। अभी गाड़ी बैक कर रहा देखो, ओ वाह यार सुबह से शाम हो गया, सुबह से नहीं सॉरी दोपहर से शाम हो गया और अभी एक ही जगह पे शिव सागर में, क्योंकि
इस गाड़ी में माल था, मैं आपको बोला भी था कि आधे घंटे में खाली हो जाएगा, बट आधे घंटे नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया खाली होने में। एंड अभी शाम का टाइम होने को आ गया, अभी अपना टाइम हो रहा है 4 बज गया, तो आप देख लो 4 बज गया है। और देखते हैं अभी कितने देर में यहाँ से जो मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं बोलेंगे, मतलब भैया डिब्रूगढ़ वाले रूट से कट जाएंगे ना तिनसुकिया के लिए, तो हम वहीं पे उतर जाएंगे, तो वहीं पे उतर के कहीं ढाबा पे रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, आज का दिन पूरा ख़राब चला गया। एंड इसमें काजू बादाम वाले गाड़ी में काजू बादाम ने आज मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज कहाँ तक पहुँच पाते, मतलब पहुँच जाते, बट कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट डे अपना अच्छे से चले जाएंगे। और ये कुछ सागर का अंदर मार्केट में आ गया हूँ, बादाम उतरवाना है। लग रहा है जैसे ऑनर होकर मैं बैठा हूँ, आया हूँ गाड़ी खाली करवाने। गाड़ी कब से खाली हो रही, अभी 2 जगह पे पीछे गाड़ी खाली हुआ है, तीसरी जगह पे आए हैं, अभी 3 जगह पे और खाली करवाना है, उसके बाद चलेंगे। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है, टाइम पास भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँ। इधर वाले शॉप पे होगा। तो दोस्तों अभी हो चुका है रात, एंड अभी आप देख सकते हैं इधर सारे के सारे ट्रक लगे हुए हैं, ये आप देख लो मेन हाईवे पे। और आज का जो सफ़र है हमारा वो आज रात में रहने वाला है। आज रात में फर्स्ट टाइम ट्रक से ही चेकिंग कर रहा हूँ, मतलब शायद ऐसे, मतलब किसी ने, काफ़ी सारे लोग ऐसा किया, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि आज मैं रात में ट्रक से ही चेक कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज रात में कितने टाइम तक पहुँचे एंड कहाँ रुकते हैं, आज का कोई प्लानिंग नहीं, कोई पता नहीं। आप देख लो काफ़ी सारे गाड़ी जा रही है, मेन हाईवे यहाँ शिवसागर का, अभी भी शिवसागर में ही है, क्योंकि माल खाली करवा करवा कर रात हो गया यहाँ पे काजू किशमिश का चक्कर में, मेरा काजू किशमिश हो गया। ठीक है जी, काजू बादाम ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं अभी कितने देर बाद यहाँ से निकल पाते हैं, एंड आपको आज इंजॉय कराएंगे, थोड़ी बहुत जो नाइट वाले सीन है वो आपको दिखाएंगे। सो आज का मेरा फर्स्ट ऐसा है जो ट्रक से मैं चेक कर रहा हूँ रात के टाइम में। चलते हैं आगे, देखते हैं आज क्या होने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, रेड वाला जो आपको पता होगा सब्सक्राइब बटन। तो ठीक है चलते हैं। तो दोस्तों अभी अपना खाना आ चुका है, सुबह से काफ़ी ज़्यादा भूखा था यार, और अभी टाइम हो गया 9 बजने वाले, 8:30 हो गया, और ढाबे पे रुका हूँ आज भी मैं, भी खाकर चलकर दिखा दो, काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है। काजू और बादाम के चक्कर में आज मेरा काजू बादाम निकल गया, एंड रात में सफ़र करके आना पड़ा ट्रक से, तो काफ़ी दिक्कत लगा, बट कोई नहीं अभी खाते, खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे आइटम उनको दिख रहे हैं, बट खाकर चलते टेंट में, और टेंट में चलकर आप सभी से बातें करते हैं। सो दोस्तों अभी अपना खाना हो चुका है बढ़िया वाला, और ये असम का थाली था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारे आइटम थे उसमें। सो अभी खा लिया पेट भर करके, एंड बाहर वाले साइड में मैं टेंट लगाया हूँ, मैं आपको मॉर्निंग में दिखा दूँगा मैं कहाँ पे रुका हूँ। एंड ये अभी डिब्रूगढ़ से पहले अराउंड 18-20 किलोमीटर पहले मैं रुका हूँ। सो वैसे भी पहले बाईपास होते हुए मेरे को निकलना है, अपना बोगीबील ब्रिज होते हुए, सिलापत्थर होते हुए कल मैं एंटर कर जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश। तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मज़ा क्या आया, बस यही अपना काजू और बादाम के चक्कर में अपना काजू बादाम बन गया, थोड़ा लेट आया यहाँ पे ढाबे में, नहीं तो और भी ज़्यादा लेट हो सकता था, बट कोई नहीं, माल उतरने के चक्कर में गलती हमारी थी, क्योंकि मैं उसी पे रुक गया, भैया ने बोला आधे घंटे बाद हो जाएगा, आधे घंटे में खाली हो जाएगा, कर करके शाम हो गया था, बट कोई बात नहीं, अब फाइनली पहुँच गया है, और अभी अपना खाना वाना भी हो चुका है। जैसा भी ब्लॉग लगाओ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अच्छा लगा हो तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर पुराने ऑडियंस हो तो अच्छी बात है। तो चलिए जी, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।